मौला बख्श चांडियो साहब जी साईं बिस्मिल्लाह सर। सेठ साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे आपने टाइम दिया है। एक तो अरसे के बाद मैं बात दो तीन नुकात पे करना चाहता था, उसमें पहली तो है के वापडा वाले अथॉरिटी वाले लाखड़ा पावर हाउस से और कोटली पावर हाउस को बंद करना चाहते हैं, वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपने ये पहले मसला कमेटी में उठाया था, कमेटी ने यहाँ बड़ी मेहनत के साथ वो फैसला भी दिया, लेकिन ये हुकूमत किसी कमेटी पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है, वो किसी स्टैंडिंग कमेटी के मसले को या फैसले को सुनती नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, लाखड़ा और कोटली के मुलाजमों का मामला आप दोबारा उठाएँ और उस पर कोई नतीजा निकालें। वहाँ के क्या कह रहे हैं आप, बात करें चांडियो सर सर, और दूसरी वहाँ लोड शेडिंग की बात है, लेकिन अभी लोड शेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ बड़ा सस्ता मौजू है, बड़ी जल्दी मशहूरी मिलने का, वो है पानी का मसला। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया, लेकिन ये मामला बड़ा हसास मामला है, इसको इस अंदाज से अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए उसको यूँ कहकर तकीर करके नहीं करना चाहिए। ये अगर इतना आसान मामला होता तो आपसे पहले कई हुक्मरान कई हुकूमतें आई हैं, और चलो सियासी नहीं है वो भी, पानी का मसला जिंदगी और मौत का मसला है, आप ऐसे ही 5 मिनट में तकीर करके बड़ा जाहो जलाल दिखाकर आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते, आपने नहीं किया। और ये जो कल भी उस किसी ने कहा पानी समंदर में जा रहा है, भाई आप ऐसे बोल देते पानी समंदर में जा रहा है, आप माहरीन को रखे तय करवाए ये पानी समंदर में जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, आप जानबूझ के ऐसी सूरत हालत पैदा कर रहे जहां सूबों के दरमियान इख्तलाफात बढ़े। अब मेरे लीडर ने कहा है, कल मैंने सुनने में नहीं था, रजा रबानी साहब ने भी कहा है इस मुआहदे का नए सिरे से जायजा लेना पड़ेगा, सिंध के लोग इस मुआहदे से मुतमिन नहीं है, ये मुआहदा आमरेत ने करवाया, ये मुआहदा गैर नुमाइंदा हुकूमत थी सिंध की उसने करवाया, वफाक में भी वही हुकूमत थी उन्होंने, हमें यह मुआहदा कबूल नहीं है, लेकिन हमने वफाक को इज्जत और एहतराम देने के लिए इस मुआहदे पर अमल करना चाह, आप उस पर भी अमल दरामद नहीं करते। मैं इस कमेटी का मेंबर था, अरसा के चेयरमैन आए और जिस जिटाई से अरसा के चेयरमैन ने बात की वो बड़ी शर्मनाक बात है, वो पाकिस्तान दोस्त मौकफ नहीं है कि चश्मा लिंक कैनाल है, चश्मा लिंक कैनाल फिलिप कैनाल था, आपने उसका बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, ऐसे ही चला देंगे आपकी आपकी बादशाही है, आप चश्मा लिंक कैनाल चलाएंगे, आप दरिया सिंध का पानी बंद करेंगे, सिंध को रेगिस्तान बना देंगे, बस आपके आपकी जागीर है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं चौधरी साहब ने अच्छी बात की कि चलो कमेटी बनाए कोई बात करे, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे बाख्तियार कह देना कि पानी हमको मिलना चाहिए और चश्मा लेकर कैनाल नहीं चलने देंगे, आप जबरदस्ती चला रहे हैं, मुझे नाराजगी है शहबाज शरीफ साहब से भी, मैं माफी मांगता हूं उनकी पार्टी से भी, उन्होंने भी अपने दौर में जिस अंदाज से चलाया वो सिंध के लोगों के लिए काबिले कबूल नहीं था, इस मामले पे गुंडागर्दी हमें कबूल नहीं है, पाकिस्तान किसी एक सूबे की मिल्कियत नहीं है, जो पाकिस्तान की बात एक सूबे से आएगी वो वफाक की बात है, बलोचिस्तान की कोई बात वफाक की नहीं है, पख्तूनख्वा की कोई बात पाकिस्तान की नहीं है, सिंध की कोई बात वफाक की बात नहीं है, आप चैंपियन बन गए वफाक के, जो आप करेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होगा। इस मुआहदे से सिंध के लोगों को तकलीफ है, इस वक्त सिंध के लोगों की जमीनों को पानी नहीं मिल रहा, सिंध के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, इस मुआहदे का नए से और इरसा में एक मेंबर एक सूबे की गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, इस मुआहदे का नए सिरे से जायजा लेना चाहिए, ठीक है जी। हमें कबूल नहीं है ये मामला, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे चौधरी साहब के लिए इज्जत है, मैं उनसे कोई इख्तलाफ ज्यादा नहीं करता, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन वफाके पाकिस्तान का चेहरा दिखाएं, आप इलाकाई चेहरा ना दिखाएं, इलाकाई वोट लेने के लिए इलाकाई बातें ना करें, अगर आप वफाक की सियासत करने आए थे तो वफाक की बात करें, वफाक की बात चारों सूबों के मफादात की यकसा बात करनी है, एक सूबे की बात करना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, हमने कभी यह बात नहीं की, लेकिन हक तो पहुंचता है कि अगर सिंध को तकलीफ है तो सिंध की अब करेंगे मातम करेंगे, हाँ अगर किसी मसले में पंजाब को पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान तकलीफ में है तो हम उनके लिए भी ऐसी आवाज उठाएंगे,
लेकिन यहां तो सिंध का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, सिंध को रेगिस्तान बनाया जा रहा है, और आप वफाक वफाक करके कर, नहीं ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा। चेयरमैन साहब मैं आपसे, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ पे चारों सूबों के हकूक का तहफ्फुज किया जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसी भी सूबे के लिए काबिले कबूल ना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके इस बात पे शुक्रगुजार। मैं भी आप देखें, हम बचपन से सियासत के पहले दिन से ये सियासत करते हैं, वफाक की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की सियासत करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इस मामले को ऐसे जज्बाती तकरीरों में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, अगर कोई कमी। लेकिन मैं अपने बिलावल साहब, मेरे महबूब चेयरमैन की इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ कि इस मुआहदे का नए सिरे से जायजा लेना चाहिए, और किसी भी सूबे से, मैं बलूचिस्तान पख्तूनख्वा पंजाब में किसी भी सूबे से ज्यादती का हामी नहीं हूँ, लेकिन अपने सूबे को बंजर बनाने का तो सख्त दुश्मन और मुखालिफ हूँ। ऐसी किसी भी रंग में बात होगी, मैं फिर भी नाम ले रहा हूँ बार बार चौधरी साहब का, उन्होंने आज इशू उठाया, लाख इज्जतों करने के बावजूद, उनका लाख एहतराम करने के बावजूद, उनके बहुत सारे लीडरों का एहतराम करने के बावजूद, इस मौकफ की शिद्दत से मुखालफत करेंगे कि अगर वो यकसर कह देंगे कि इस चश्मा के नाल बहना चाहिए, बहाजा तो गया है, गुंडागर्दी के जोर पे चला तो गया है, और ये कानून वो मुआहदा कबूल नहीं है जो नुक्ता आपने उठाया है कि इस मुआहदे में लिखाया कि हर सूबा अपने हक का पानी नहीं। वो आमरियत का मुआहदा था, वो गैर नुमाइंदा हुकूमत का मुआहदा था, अहले सिंध को कबूल नहीं है।